जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में, जो हावड़ा से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए खुलती है। इस ट्रेन की दोस्तों आज हम पूरी जानकारी, जैसे ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर ठहरती है और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जानेंगे पूरी जानकारी इस ट्रेन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों हावड़ा से मुंबई के सीएसएमटी तक चलने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12860, इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन देश के दो बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। और इस ट्रेन की जो पहली यात्रा शुरू हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1977 से। यह ट्रेन 5 राज्यों से गुजरती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य शामिल है। यह ट्रेन हावड़ा से मुंबई की कुल यात्रा 1968 किलोमीटर को तय करती है लगभग 31 घंटे और 40 मिनट में। इस दौरान इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 62 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करता है दक्षिण पूर्वी रेलवे और यह ट्रेन रोजाना चलने वाली ट्रेन है, जो हर दिन हावड़ा से रवाना होकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के कुल 24 होल्ट रहते हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के कोच लगते हैं, जिसमें AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो AC 2 टायर के कोच का हावड़ा से मुंबई तक का किराया रहता है 3,460 रुपये, AC 3 टायर के कोच का किराया रहता है 2,035 रुपये। इन दोनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस्ट फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के कोच का किराया रहता है 780 रुपये, इसमें GST को छोड़कर बाकी के सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य क्लास के कोच का किराया रहता है 415 रुपये। ये हावड़ा से मुंबई CSMT तक का किराया बताया गया है, जिसमें समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले एक बार इस किराए को जांच अवश्य लीजिएगा। हाँ, तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा इस ट्रेन में आपको मिल जाएगी। पेंट्री कार का कोच इस ट्रेन में रहता है, जिसमें भोजन संबंधित सभी सुविधाएं रहती है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज टिकट चार्ज से अलग रहता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा में अजनी लोको शेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस गीतांजलि एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों रोजाना दोपहर 1:40 पर हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 21 से रवाना होती है। और दोस्तों हावड़ा से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है खड़गपुर जंक्शन। दोपहर के 3:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 3:25 पर यह ट्रेन खड़गपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है झारखंड के टाटानगर जंक्शन में शाम के 5:15 पर, और 5:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है चक्करधरपुर शाम के 6:13 पर, और 6:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है ओडिशा के राउरकेला जंक्शन में शाम के 7:40 पर, और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद शाम के 7:55 पर यह ट्रेन राउरकेला जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 410 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है झारसुगुड़ा जंक्शन रात के 9:41 पर, और 9:43 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रात के 10:31 पर,
और 10:33 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है बिलासपुर जंक्शन रात के 12:30 पर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद रात के 12:45 पर यह ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। बिलासपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 715 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रायपुर जंक्शन रात के 2:15 पर और 2:25 पर यह ट्रेन रायपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दुर्ग जंक्शन रात के 3:15 पर और 3:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजनांदगांव रात के 3:42 पर और 3:44 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन में सुबह के 5:12 पर और 5:14 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भंडारा रोड सुबह के 6:02 पर और 6:04 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नागपुर जंक्शन सुबह के 7:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 7:25 पर यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। नागपुर जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1130 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वर्धा जंक्शन सुबह के 8:32 पर और 8:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बडनेरा जंक्शन सुबह के 10:07 पर और 10:10 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन सुबह के 11:10 पर और 11:15 पर यह ट्रेन अकोला जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शेगांव सुबह के 11:44 पर और 11:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मलकापुर दोपहर के 12:19 पर और 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भुसावल जंक्शन दोपहर के 1:15 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 1:20 पर यह ट्रेन भुसावल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है जलगांव जंक्शन दोपहर के 1:43 पर और 1:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नासिक रोड शाम के 4:20 पर और 4:25 पर यह ट्रेन नासिक रोड से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इगतपुरी शाम के 6:10 पर और 6:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कल्याण जंक्शन रात के 8:08 पर और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद रात के 8:11 पर यह ट्रेन कल्याण जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। कल्याण जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1911 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दादर सेंट्रल रात के 8:53 पर और 8:56 पर यह ट्रेन दादर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है, पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रात के 9:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1968 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी हावड़ा से मुंबई तक जाने वाली गीतांजलि सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।